पसंद की शादी करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? मैं पसंद को अरेंज में तब्दील करूंगा। खिलाड़ी आमतौर पर अपनी उम्र छुपाते हैं बल्कि कम लिखवाते हैं, आपकी उम्र सही लिखी हुई है या कम लिखी हुई है? मेरी बिल्कुल उम्र जो मेरी अपनी रियल एज है वही लिखी हुई है, क्योंकि मैंने ना अंडर 19 खेली है, ना मैं क्लब क्रिकेट खेला हूँ पाकिस्तान के अंदर, ना मैं कोई डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेली है, तो जिसकी वजह से मुझे शायद एज कम करानी पड़े। बट जब मैं आया था लाहौर के अंदर के ट्रायल्स में, तो उस टाइम भी मेरी जो एज थी, जो इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो 23 थी। 23 से बाप को वो ये सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, बट उस टाइम मेरी एज थी 23 और 23 और 4-5 महीने ऊपर थी। तो फिर उस टाइम आतिफ भाई ने मुझे कहा था कि मैं तेरी एज काम करा दूँ, फिर इन्होंने खुद ही कहा कि रहने दे, हम ढूंढसा है इस तरह काम नहीं करते, जो तेरी रियल एज है उसी पे खेलते हैं। ज़िंदगी का गमज़दा तरीन लम्हा कौन सा था? गमज़दा तरीन लम्हा जब मैं ट्रायल्स में सेलेक्ट हुआ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, उस टाइम पहले साल मेरा PSL में नाम नहीं आया था, उस टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ था, बट उस पर मैंने अपने आप को ये रखा कि मेरे पास एक साल है कि मैं इसमें अपने एक साल में मेहनत करूं और नेक्स्ट ईयर जो PSL होगा उसमें अपने आप को टीम के अंदर फिट करूं। तो वो फिर एक साल मैंने इतनी मेहनत की और नेक्स्ट ईयर दोबारा मेरे PSL में मेरा नाम आया। नए खिलाड़ी मैच फिक्सिंग का शिकार हो जाते हैं लालच की वजह से या नामोज होने की वजह से, पता नहीं होता उनको, क्या आपको भी ऐसी ऑफर्स हुई कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई। बड़ी दुनिया घूम चुके हैं, कौन सी जगह सबसे खूबसूरत लगी? ऑस्ट्रेलिया, जो उसका मेलबर्न है वो मुझे काफ़ी पसंद है, बट उसके अलावा जब लास्ट ईयर मैं न्यूजीलैंड गया था, वहाँ पे एक जगह थी क्वींसटाउन, वो काफ़ी अच्छा लगा। शादी कब कर रहे हैं? शादी बहुत जल्द कर रहा हूँ। अच्छा, गुड। फाइनल हो गई शादी? नहीं, फाइनल नहीं हुई, बट अपने जो प्लान्स हैं उसमें ये है कि बहुत जल्द हो जाएगी। कप्तान बना दिए जाएँ तो पहला कदम क्या उठाएंगे? ऐसा कभी सोचा नहीं है। कप्तान बनने का इरादा नहीं है? मुश्किल लग रहा है तो इसलिए कभी सोचा ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का बतौर कप्तान तकाबुल कैसे करेंगे? दोनों का मुकाबला करना पड़े कि कौन बेहतर कप्तान है? इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना और लीग्स में कप्तानी करना बहुत डिफरेंट है। आपके पास लीग्स में आपके पास उस तरह के पूरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं होते, और जब जिस तरह आपके पूरे कंट्री के आपके बेस्ट प्लेयर आपके पास नहीं होते लीग्स में, तो इंटरनेशनल लेवल में आपके पास आपके कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स आपके पास होते हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जारी बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कप्तानी है वो थोड़ी टफ है, तो वो थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे कप्तानी करना। लीग्स में आप अपने प्लेयर्स को फिर मैनेज कर लेते हो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अरूजो जवाल का शिकार रहती है, कभी नीचे चली गई कभी ऊपर आ गई, क्या वजह है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह कंसिस्टेंट नहीं है? लास्ट 2 साल से अगर आप क्रिकेट देख रहे हो तो आपको बेहतर पता होगा कि जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही हैं। उसमें जो आप फिटनेस में काम देखें, फिटनेस में देखें प्लेयर्स को, परफॉर्मेंसेज देखें, जो आपके इस टाइम ICC की रैंकिंग में आपके पास बॉलर्स आपके टॉप 10 में हैं, आपके बैट्समैन, आपके पास जो कप्तान आपका है वर्ल्ड नंबर 1 है, आपका दूसरा ODI में जो बैट्समैन इमाम भाई हैं, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है या ये एक अचीवमेंट है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट की, हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स की, कि वो ICC की टॉप रैंकिंग में है। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है। साबक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का तल्लक भी रावलपिंडी से है, वो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाते हैं। लोग अक्सर आपका, क्योंकि आपका शोबा भी फास्ट बॉलिंग है, तो आपका तकाबुल तो करते होंगे शुएब अख्तर से? शुएब भाई वो लेजेंड हैं और उनके साथ जोड़ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, कि वो जिस तरह की वो बॉलिंग करते थे, जिस तरह का उनका एग्रेशन था, जिस तरह उनका वर्ल्ड में नाम है। मैं तो अभी स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मुझे तो इतना लोग जानते भी नहीं है कि यार मैं उनके साथ अपने आप को मुकाबला करूं, वो तो लेजेंड है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर तो अब सियासत में भी आ चुके हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपका भी कोई इरादा करता है, कभी दिल करता है कि सियासत में भी आऊँ? नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है और पॉलिटिक्स में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। क्लब्स वगैरह जाते हैं, अपनी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखें, अगर आपको खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ क्लब्स नहीं होते, उसके अलावा और भी बड़े तरीके होते हैं कि आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हो। तो क्लब्स नहीं जाते? नहीं, मैं क्लब्स नहीं जाता। ऑटोग्राफ लोग मांगते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा फील होता है कि लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। अक्सर बॉलर कौमी टीम में आने के बाद अपनी बैटिंग भी इम्प्रूव कर लेते हैं, आपका भी इरादा है कि अपनी बैटिंग को ठीक करें? जब मैं टेबॉल खेलता था उसमें मेरी बैटिंग ऑलरेडी अच्छी थी, अब जब से हार्ड बॉल में आया, वो बॉल 2-3 दफ़ा लगी सर पे लगी, तो वो उसके बाद थोड़ा सा डर पैदा हुआ, तो उसके बाद फिर थोड़ा बैटिंग थोड़ा काम करना शुरू कर दी। अब दोबारा उस पर काम कर रहा हूँ और काफ़ी अलहमदिल्ला अच्छी हो गई है,
और इम्प्रूव नज़र आ रही है, उस पर काम और मजीद करूँगा। ज़ाहिर बात है अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर या लीग्स में खेलना है तो आपको अपने साथ बैटिंग भी इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। आपको मौसीकी से दिलचस्पी है? मैं बहुत सुनता हूँ जी। अच्छा, किसकी? मैं दादा जिस तरह इंडियन सॉन्ग जिस तरह हैं वो काफ़ी सर जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं वो सुनता हूँ, जो नए नए आते हैं वो बस उन्हीं को फिर सुनता ही रहता हूँ। जो एक गाना आता है तो उसको फिर मैं एक हफ्ता पूरा सुनता हूँ ताकि उसके बाद उसको सुन। पसंदीदा सिंगर कौन सा? पसंदीदा सिंगर अरिजीत है, उसके गाने अच्छे होते हैं। और पाकिस्तानी कोई अदाकार या अदाकारा पसंद हो? नहीं, कोई ऐसी पाकिस्तानी अदाकारा, इंडियन कोई अदाकारा, कोई फिल्में देखते हो? फिल्में देखता हूँ जी, बिल्कुल देखता हूँ। उसमें जितनी वो एक्ट्रेस हैं, सारी बातें मूवीज देखना मकसद है, मूवी देखना, एक्ट्रेस नहीं देखना।